हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो एज 40 न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज अगर खाली करना है तो सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन कीजिए। मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर आपने जितने भी फालतू की फोटो वीडियोज आपने रख रखे हैं, वो सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियोज जो है आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी से डिलीट कर देनी है परमानेंट। ठीक है ना, खास करके आपको लॉन्ग वीडियोस आपको डिलीट करनी है जो आपने अपनी फोन की गैलरी में रख रखी है। ठीक है ना, तो इससे आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप्स का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप किसी भी ऐप को उंगली से दबा के रखेंगे ना तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है। ठीक है, आपका ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा ऐप इन्फो का। ठीक है, इसमें आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। तो आपका एक पेज आएगा, ठीक है, छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको डिलीट का ये बटन टैप कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों आपको अगला काम यह करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो उन सभी फालतू के ऐप्स को अपने फोन से हटा देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है ना, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अगर आप कभी भी किसी भी ऐप को अगर अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो जो ऐप होता है इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन का स्टोरेज कवर करता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप अपने फालतू के ऐप्स को अपने फोन से हटा देंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज भी कुछ खाली हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होंगे जिन ऐप्स के अंदर ना बैकअप की सेटिंग मिलती है। ठीक है, तो आपको जिस ऐप के अंदर बैकअप की सेटिंग मिलती है उन ऐप्स के अंदर से आपको बैकअप सेटिंग को बंद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने फोन की गैलरी को ओपन किया और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर ना आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ये बैकअप की सेटिंग मिलती है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अपने फोन की बैकअप सेटिंग पहले से बंद कर रखी है। ठीक है, ये ऐप्स की। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको जो ना अगर ये बैकअप सेटिंग आपकी चालू रहती है तो आपको नीचे की साइड ना ऑफ का बटन होगा, ऑफ पर टैप करके इस बैकअप सेटिंग को आपको बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप में बैकअप सेटिंग मिल जाती है उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी आपके ऐप्स की बैकअप सेटिंग की बात। ठीक है, अब आपको अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग बंद करनी है। कैसे? देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना, सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे की तरफ ये सिस्टम पर आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये बैकअप सेटिंग मिलती है, अगर ये बैकअप सेटिंग आपकी चालू रहती है तो इसे आपको बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, मैं ऐप्स की और मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि देखिए अगर ये हमारी बैकअप सेटिंग्स चालू रहती है ना, तो इससे चालू रहने से क्या होता है कि हमारे फोन का जो स्टोरेज होता है ना वो बार-बार फुल हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये बैकअप सेटिंग्स बंद कर देंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज भी खाली रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको है ना सबसे नीचे की साइड आना है, यहां पर आपको ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज भी खाली हो जाएगा। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने ही प्रोसेस आपको बताया है ना, ये सारे के सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। ठीक है,